महिला पुलिस ही महिलाओं के लिए जी का जंजाल बनी हुई है। रेवाड़ी महिला पुलिस अक्सर सुर्खियों में रहती है। महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता से तो शायद इनका नाता दूर दूर तक नहीं है। उधर से इधर घूमकर समझौते का दबाव डालने कहीं जाकर मामला दर्ज होता है। नया मामला रेवाड़ी के एक गांव में देखने को मिला, जहां एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया। पीड़ित परिजन नाबालिग को लेकर पहले तो नाहर चौकी पहुंचे, उसके बाद उसे टरकाते हुए कौसली थाने भेज दिया गया। कौसली थाने में रेवाड़ी महिला थाने में भेज दिया गया। परिजनों का आरोप है कि वहां से भी देर रात तक बैठाया गया। यही नहीं, नाबालिग बच्ची के साथ भी बदसलूकी की गई। मामला मीडिया में आने के बाद पुलिस ने कुछ तत्परता दिखाई और आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। यह मामला पहला नहीं है जब पुलिस पीड़ित महिलाओं को इधर से उधर दर्जनों चक्कर कटवा दे। ऐसे मामलों को लेकर पहले भी रेवाड़ी महिला पुलिस सुर्खियों में रह चुकी है। आके मैंने देखा तो ये लड़का लड़की के ऊपर पड़ा हुआ, मेरे को देख के और मेरे को धक्का दे करके एकदम घर से बाहर निकला। मैंने आवाज दी, पड़ोस पड़ोस के लोग इकट्ठे हुए, फिर मैं नाहर चौकी के अंदर गया। नाहर चौकी वालों ने हमारी वो कोई सुनाई नहीं की। नाहर वाले ने कहा कि कोसली जाओ, कोसली हम गए। कोसली जो पूनम मैम है उसने बोला कि भाई ये नाबालिग है, मैं इसका केस दर्ज नहीं कर सकती। रात को 9 बजे हम रेवाड़ी गए हैं, 11:30-12 बजे के लगभग हमारी FIR दर्ज हुई है। और दूसरे दिन फिर मजिस्ट्रेट के बयान हुए, हमें फिर बुलाया गया। 2 दिन में लगातार गाड़ी ले लेके गया हूँ, गरीब आदमी हूँ। तो ये यहाँ बात करी कोई पुलिस आई? मैंने आने के बाद लड़की से पुलिस यहाँ नहीं आई जी, पुलिस तो आज तक भी नहीं आई है। यानी कि आपको ही रेवाड़ी जाना पड़ता है? हाँ, हम ही रेवाड़ी जाते हैं। जब पुलिस बुलाती है आपको? हाँ, हम ही रेवाड़ी गए हैं, पुलिस आज तक भी नहीं आई है। जैसे ही आई तो कल परसों आई थी, हमारी गाड़ी के अंदर बैठ के आई। वो गाड़ी का किराया भी मैंने दिया है। नक्शा लेके गए मकान का और मौका देखने के लिए। कौन लड़का था, क्या नाम था उस लड़के का? ये रामफल का लड़का है, बच्ची बोलते हैं यहाँ तो, पिंटू। वैसे पिंटू है, पिंटू नाम है और वैसे नाम बच्ची है। आप सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से हम ये मांग करना चाहते हैं जी, ऐसे गंदे आदमी को तो फांसी की सजा होनी चाहिए, ताकि आगे ऐसे निकम्मे आदमी पैदा हो। गलत काम ना, इससे और लोगों को भी सबक मिले। क्या मामला हुआ, क्या है पूरी वारदात? हमारी ये है कि हमारी बच्ची के साथ ऐसा हुआ, हम नाट गए और नाट वालों ने हमारी नहीं सुनाई करी, क्योंकि नाट वालों ने हमें कोसली भेज दिया। और फिर हम कोसली गए, वहाँ पूनम मैडम थी और उसने भी बयान लिया। हमने उसका सारा दिन वेट किया, 5:30 बजे वो वहाँ पे आई। फिर उसने बयान लिया हमारी लड़की का अकेले में ले जाके ने, और उसने लिखा। उसके बाद उसने ये कहा कि 1 घंटा आप बैठो, मैं आपका मामला दर्ज करूँगी। और 1 घंटे के बाद उसने जवाब दिया कि मैं ये मामला दर्ज नहीं कर सकती, आप रेवाड़ी जाओ महिला मंडल में, वहाँ आपका मामला दर्ज होगा कि आपकी बच्ची नाबालिग है। हम वहाँ पे गए तो उनने मामला दर्ज तो किया, लेकिन हमारी बच्ची को एक साइड में ले जाके ने उसने डराया भी से और धमकाया भी से और गाल भी खींची है। मतलब क्या मामला था जो कोई शिकायत आई थी बच्ची ने की थी? तो हमारे पास गांव का ही लड़का था, उस लड़की ने, लड़की के फादर ने शिकायत दी थी। गांव का ही लड़का हमारे जो है अंदर घुस गया था, जैसे ही मैं आया हूँ तो वो जो है बेड पर लेटा हुआ था लड़की के पास। अब उसमें क्या मामला दर्ज किया? उसमें मुकदमा दर्ज कर दिया, आरोपी अरेस्ट कर लिया और जेल में भेज दिया, पेश कर दिया अदालत। जो पीड़िता है कितनी उम्र रही होगी? कितनी उम्र रही होगी पीड़िता की? पीड़िता की 10-11 के आसपास। मैडम, महिला के जो लड़की के जो माँ है उसने एक आरोप लगाया है कि लड़की के साथ जो है पुलिस वालों ने कुछ जाति की है, तो इस तरह की कोई बात सामने आई थी आपके? नहीं, ऐसी बात सामने नहीं आई। हमारे पास जैसे ही दरखास्त आई थी हमने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी।